पिछले अक्टूबर में मैंने करामहुल गांव के तपन सगरिया के ऊपर एक वीडियो बना था। तपन सगरिया को अपाहिज हुए 2 साल हो जाने के बाद भी उन्हें डिजेबिलिटी पेंशन नहीं मिल रहा था। उड़ीसा में मधुबाबू डिजेबिलिटी पेंशन स्कीम के तहत जो ऑर्थोफिजिकली डिजेबल हैं उनको हर महीने 300 रुपया का डिजेबिलिटी पेंशन मिलने का प्रावधान है। 2 साल के बाद भी डिजेबिलिटी पेंशन के लिए कई बार आवेदन करने के बाद भी उनको अभी तक के डिजेबिलिटी पेंशन नहीं मिला। अपन को डिजेबिलिटी समस्या कितने दिन हला हो छे? 2010 रु स्टूडेंट गुटे हला। अपन डिजेबिलिटी पेंशन लगे अप्लाई करी छन? करी छन दु थर हला नि व्यवहार। अपन को परिवार रे के अछन? को 3टा छ ननी गुटे हम 30 गुटे। अपन परिवार भी कंता के मेंटेन हो छे? वो गोटे बड़ थिला बोली कमी कर चालू छे। सोशल एक्सटेंशन ऑफिसर की लापरवाही की वजह से उनको अभी तक डिजेबिलिटी पेंशन नहीं मिल पाया है। वीडियो बनाने के बाद मैंने इस वीडियो को ले जाकर जो सोशल एक्सटेंशन ऑफिसर हैं अपने ब्लॉक में उनको ये दिखाया था और उसका मैंने प्रॉपर फॉलोअप किया। फॉलोअप करने के बाद तपन सगरिया को डिजेबिलिटी पेंशन मिलना शुरू हुआ। आज्ञा, ये तपन सगरियार जेन तार डिजेबल पेंशनटा रही थी सर, से उपरे आपण कौन इनिशिएटिवटा नहीं थे सर? तपन सगरियार दरखास्त जत मो पाक आसला तापर ताको मो सेंक्शन कर देली। सर्कुलेटर सर को पठाई देली तापर सेंक्शन हो लोकटा बर्तमान पाइलानी। प्रोसेसटा केते समय खंडे लागला सर टोटल? प्रोसेसटा आमर सरकारी नियम अनुसार सेमती किसी डेडलाइन टे नाही किंतु मासे भितरे घर लोक सब खुश हेले। मैं अभिषेक कुमार दास, गांव करामहुल, जिला नुआपड़ा, उड़ीसा से इंडिया अनहड़ के लिए।